रशीद कंपाउंड में नाले पर बने मकान की दीवार गिरी, और भी नाले पर बने मकान खतरे में। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड हिल्टन बेकरी के पास एक मकान की दीवार नाले में गिर गई। घटना 2 बजे के आसपास हुई है। मकान मालिक वाहिद सलावत खान ने बताया कि घर नाले से बिल्कुल लगकर बना हुआ था, और ये नाला मुंब्रा बाईपास से चरनीपाड़ा रशीद कंपाउंड होते हुए एमएम वली तक जाता है। नाले के दोनों तरफ दीवार उठाने का पत्र व्यवहार मनपा में इन्होंने किया था, क्योंकि रशीद कंपाउंड के पास नाले पर कई घर ऐसे बने हुए हैं और कई बार घर की दीवारें भी गिर गई हैं, मगर इसके बावजूद नाले का काम थोड़ा सा चरनीपाड़ा और थोड़ा सा एमएम वली की तरफ किया गया है, उसके बाद काम बंद कर दिया गया। कई साल गुजर गए हैं मगर काम नहीं हो रहा है। नाले में चूहों की वजह से लोगों के घरों की दीवार गिर रही है, मगर नाले का काम बंद का बंद पड़ा हुआ है। घटना के बाद मनपा अधिकारी, स्थानीय समाज सेवक रिहान पीतलवाला भी पहुंचे थे। वाहिद ने बताया कि दीवार गिरने से किसी को कोई चोट नहीं लगी है, मगर मनपा नाले का काम कब पूरा करेगी, या फिर इसी तरह आज दीवार गिरी है कल नाले से लगकर बनी इमारतें भी गिर सकती हैं, और अगर इमारतें गिरी उसमें जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सुनिए मकान मालिक वाहिद ने क्या कहा है। क्या नाम है आपका? वाहिद सलावत खान। कितने बजे ये दीवार गिरी है? ये अभी दोपहर में 1:30-2 बजे के करीब गिरी है, जिसकी सूचना मैंने फायर ब्रिगेड को, नगर सेवक को, अपने वार्ड के ऑफिसर वगैरह सबको दिया था। सब आके देख के, लेकिन कुछ आगे कुछ बोल के नहीं गए। क्या नाले के ऊपर आपका घर था, तो उसमें पहले आपने मनपा से क्या पत्र व्यवहार किया था कि ये नाले का दीवार जो है? 2014 में मैंने ये नाले की फाउंडेशन जो पत्थर की थी, ये चूहों ने पोकल कर दी थी, इसके लिए मैं 2014 से अभी तक पत्र व्यवहार करते आ रहा हूँ, और मुझे कहा गया था कि बना के दिया जाएगा, लेकिन वो आगे शिमला पार्क की तरफ का आधा भाग और ये चन्नीपाड़ा का आधा भाग, वो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा बना दिया, बीच का वैसे छोड़ दिया गया। हाँ, बीच के छोड़ने की वजह से अभी मेरा तो गिरा, इसके पहले भी कई गरीब कई लोगों का गिरा है, और आज मेरे ऊपर ये दौर है। अधिकारी आ जाए तो क्या आपसे बताया मनपा के ये काम हो रहा है? नहीं, क्यों काम के बारे में कुछ बोले नहीं, सिर्फ आके गोसावी साहब ने डायरेक्शन देखे गए कि आप ये इधर से इतनी दीवार उठा लो, इधर टॉयलेट बांध लो, इधर मोरी बांध लो, इधर किचन कर लो, और उधर का वापर छोड़ दो करके। अब इतने से रूम में हम लोग कैसा रह गया? मैं तो यहाँ तला बोला कि आप ये दोनों रूम ले लो, मेरा अगर काम में रुकावट आती है गटर के इसमें, मेरा रूम अड़चन में है, तो आप ये ले लो और मेरे को उसके बदले दूसरा रूम दो। किसी को कुछ चोट हो गया? नहीं सर, जानी कोई नहीं है, सिर्फ ये माली नुकसान हुआ है बस। नगर सेवक वगैरह? नगर सेवक भी आके गए, डिप्टी जोशी साहब भी आके गए, तुम्हारे क्या नाम है उनका, गोसाई साहब भी आके गए। नगर सेवक को नगर सेवक नहीं, नगर सेवक रिहान आके हैं पित्तल वाले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही किया है, मैं सब बात रखा हूँ, अभी आगे देखता हूँ क्या होता है, तो वो भी बेचारे लगे हैं कोशिश में, समझे। लेकिन अभी देखो कौन क्या है, तो इसमें अपने मुस्लिम संघ के, शिवसेना मुस्लिम संघ के भी अनोर भाई आके गए, वो भी देखे गए, उन्होंने भी तो मदद करने का बोले, आपकी बात तो रखते है बोले बड़ों के बीच में।